दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चीन के बॉम्बर प्लेन की बात की थी। चलिए आगे बात करते हैं चीन के फाइटर जेट की, यानी कि उसी के पार्ट टू की। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शेनयांग J-11 आता है। दोस्तों चीन की सेना का J-11 रूस की सुकोई Su-27 की लाइसेंस कॉपी है, जिसे चीन ने 1992 से 2015 के बीच रूस से कई Su-27 और Su-30 MKK और Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे थे, जिसे चीन ने बाद में मॉडिफाई कर दिया। और इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी है, जिसमें मिसाइलों के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स बने हैं, जिसमें अलग अलग क्षमता की मिसाइलों को लगाया जा सकता है। और यह लड़ाकू विमान 2 मैक की टॉप स्पीड से लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। और वर्तमान में चीन के पास J-11 वेरिएंट के अपग्रेड लड़ाकू विमान की संख्या 297 है, जो कि चीन की वायुसेना के पास तैनात है। दोस्तों आगे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है शेनयांग J-16। दोस्तों चीन का J-16 लड़ाकू विमान रूसी Su-30 MKK की कॉपी है, जिसे चीन ने रूस से खरीद कर उसे अपनी सेना में 2015 में चीन की वायुसेना में शामिल किया था, जिसे J-11 का अपग्रेड वेरिएंट बताया जाता है। जबकि J-11 एक सुपीरियरिटी वाला लड़ाकू विमान है और J-16 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसके अलावा इसमें 30 mm की गन लगी है और मिसाइलों को लगाने के लिए इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स बने हुए हैं, जिसमें दुश्मनों के ठिकानों और लक्ष्य को ढूंढने के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडरे रडार लगाया गया है। और वर्तमान में चीन की सेना के पास J-16 के 150 से ज्यादा यूनिट तैनात हैं, जिसकी टॉप स्पीड 2.5 मैग यानी कि 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है। आगे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर चीन का चैनगंगू J-10 लड़ाकू विमान आता है। दोस्तों चीन की वायुसेना के पास सबसे ज्यादा संख्या में J-10 लड़ाकू विमान है, और यह विमान इसराइल के IAILV विमान की कॉपी है, जिसे चीन ने 2005 में पहली बार पेश किया था। दोस्तों चीन का J-10 भी भारत के तेजस जैसे ही डेल्टा विंग्स कैनार डिजाइन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, और इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स और एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडरे रडार और एक 23 mm की गन लगी है, जो लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और बात करें इसके वजन की, तो इसका वजन 17,000 किलोग्राम का है, जो कि चीन के पास 488 यूनिट चीनी वायुसेना और नौसेना के एविएशन विंग्स में तैनात है। दोस्तों आगे चौथे स्थान पर चीन का J-15 लड़ाकू विमान आता है, और यह J-15 एक एयरक्राफ्ट कैरिज से उड़ान भरने में भी सक्षम है, और चीन ने इसे यूक्रेन से खरीदे गए सुकोई Su-33 के अधूरे प्रोटोटाइप को विकसित कर बनाया है। और वर्तमान में चीन की नौसेना के पास 34 से ज्यादा J-15 लड़ाकू विमान मौजूद है, और यह चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरिज से ऑपरेट होने वाले एकमात्र फिक्स्ड विंग्स विमान है। और चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरिज की बढ़ती संख्या के कारण इन विमानों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, परंतु यह विमान अपनी कैटेगरी में काफी भारी है। ऐसे में चीन के 2 इसकी जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरिज से उड़ान भरने में इनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यह विमान कभी भी अपने पूरे ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान नहीं भर सकते, फिर भी चीन इसका अधिक मात्रा में निर्माण कर रहा है। दोस्तों आगे बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल 5वें विमान की, जिसे J-20 लड़ाकू विमान के नाम से जाना जाता है, जिसे चीन की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी माना जाता है, क्योंकि यह विमान स्टेल्थ टेक्निक से लैस है। और चीन पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसने पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का दावा किया है। परंतु रूस ने भी दावा किया है कि उसका Su-57 पांचवी पीढ़ी का विमान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, परंतु J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर ही है, और इसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जिसकी स्पीड 2126 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बात करें इसके वजन की, तो यह 19,391 किलोग्राम का है, जबकि यह 37,013 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें फ्यूल और हथियार भी शामिल है। और चीन ने दावा किया है कि यह 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, पर इस जेट में 11,340 किलोमीटर तक का ही जेट फ्यूल भरा जा सकता है। दोस्तों चाइना का 6वें नंबर पर J-7 लड़ाकू विमान आता है, जो कि तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो कि सोवियत MiG-21 की लाइसेंस कॉपी है, जिसके कारण यह MiG-21 की तरह ही काम करता है, जिसमें कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी है, और इसे चाइना ने भारत चीन सीमा पर तैनात किया हुआ है, जिसकी टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बात करें इसकी कॉम्बैट रेंज की, तो यह 850 किलोमीटर है। दोस्तों आगे इस लिस्ट में 7वें स्थान पर जेट फाइटर जेट आता है। दोस्तों इसका निर्माण पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना के द्वारा किया गया है, जो कि एक तरह का इंटरसेप्टर विमान है, जिसकी कल्पना 1960 के दशक की शुरुआत में की गई थी। इसमें अधिक शक्तिशाली इंजनों का उपयोग किया गया है, जिसके चीन ने कई तरह के वेरिएंट भी बना रखे हैं, जिसकी टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है और कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है, जिसका वजन 5355 किलोग्राम है, और हथियारों के साथ ये 7600 किलोग्राम के वजन को लेकर आसानी से उड़ सकता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे फिर मिलते हैं हम इसी के पार्ट 3 में, जब तक के लिए धन्यवाद।